जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24x7 सीए जोन में। और आज की जो हमारी क्लास है वो है रीजनिंग की क्लास, जिसमें मैं आपको उस तरीके के क्वेश्चंस करवाऊंगा जिस तरीके का पैटर्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। सो इस तरीके के क्वेश्चंस अगेन मैं बता दूं आपको कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं और आपको भी प्रीवियस ईयर पेपर जल्द ही करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो क्लासेस आएंगी वो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर की ही रहेंगी, सो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिए। हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। बस आप लोग पूरी पूरी वीडियो देखिए और उसको रिवाइज़ करिए, खुद से भी पढ़िए और खुद से भी वो चीज़ें कवर करने की कोशिश करिए। और यहाँ पे लैंग्वेज का इशू मत आप लोग सोचेगा। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज से कुछ मतलब नहीं है, इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है, तो अंक गणित एरिथमेटिक आपका किससे रिलेटेड होगा, है ना। तो इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सो मनोविज्ञान अगर आपका मन से रिलेटेड है तो अंक गणित आपका किससे रिलेटेड होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर साफ आपको दिख रहा है कि जो अंक गणित है वो आपका संख्या से रिलेटेड है, राइट। मनोविज्ञान मन से रिलेटेड है, अंक गणित में अंक है, अंक को क्या बोलते हैं, संख्या। तो इसका मतलब आपका जो सेकंड वाला है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली ऐसा ही है। यहाँ पे आप देखिए बर्फ, बर्फ रिलेटेड है ठंडक से, तो पृथ्वी किससे रिलेटेड है। तो अब आप देख सकते हैं जो ठंडक है वो बर्फ का एक गुण है, ठीक है। बर्फ से हमें ठंडी लगती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है मतलब ग्रेविटेशन जो है वो पृथ्वी का गुण है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो शिक्षक स्कूल से रिलेटेड है, तो नर्स आपका किससे रिलेटेड होगा। अब जाहिर सी बात है शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं, टीचर्स हमें कहाँ मिलते हैं स्कूल में, और नर्स हमें कहाँ मिलेंगी, तो हॉस्पिटल्स में, राइट। तो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 11 यहाँ पर आप देख सकते हो 11 को लिखा गया है 1331, तो 9 को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा इसमें आपको अगर देखने को बात करें तो यहाँ पे 11 का आप क्यूब करोगे तो आपका 1331 आ जाएगा। सिमिलरली आप 9 का अगर क्यूब करोगे तो आपका 729 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ओके। सेशन अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर करिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस बेल बटन दबा सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर कुछ परेशानी आ रही है तो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे शेड्यूल दिखा देता हूँ अपनी क्लासेस का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खिड़की हमारा अगर रिलेटेड है बढ़ई से, तो मूर्ति किससे रिलेटेड होगा। अब जाहिर सी बात है खिड़की कौन बनाता है, तो बढ़ई बनाता है, कारपेंटर बनाता है। सिमिलरली मूर्ति कौन बनाएगा, तो स्कल्प्टर, राइट। तो यहाँ पे जो मूर्तिकार है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें से आपको ऑड वन आउट बताना है कि इसमें से ऑड यहाँ पर क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, ये एक क्वेश्चन है जिसमें चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि ऑड इसमें से कौन सा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो यू वी डब्ल्यू एक्स पी क्यू आर एस ए, फिर यहाँ पे बी छोड़ दिया, सी आ गया, ठीक है, ये हो सकता है। इसमें देखें तो के एल एम एन, यहाँ पे आप देख सकते हो इधर से हम इधर गए और प्लस वन करते गए, लेकिन इसमें यहाँ पे ए आया और फिर बी छोड़ के सी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस टू कर दिया, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। इसमें इसमें और इसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट ये जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका इसमें अलग पैटर्न लग रहा है, ठीक है। कैसे, देखिए पी के बाद क्यू, फिर आर, फिर एस, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, के बाद एल एम एन, बट यहाँ पे देखिए ए के बाद बी आना चाहिए जबकि सी लिखा है, इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको आवाज़ यहाँ पर कम आ रही हो, रात का समय है इसलिए थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, बट कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि ऑड यहाँ पे क्या है। सो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं 24, 56, 84 एंड 94। सो अगर हम इसमें देखिए, नॉर्मली ऐसे में आप 3 की या 4 की डिविजिबिलिटी देखा करिए, और उसके बाद यहाँ पे
कुछ ऑड हो सकता है, ठीक है। तीन नंबर हो सकता है ऑड दिए हों, एक नंबर इवन दिया हो, ऐसे देखा करिए। या हो सकता है तीन नंबर इवन दिए हों, एक नंबर ऑड दिया हो, या तीन नंबर ऑड दिए हों, एक नंबर इवन दिया हो, तो कुछ इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। हम यहाँ पे फोर की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो फोर की डिविजिबिलिटी चेक करने पर हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन जो 94 है ये आपका डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे ऑड वन आउट में ऑप्शन नंबर फोर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये जो टाइमिंग दिया हुआ है, तो ये टाइमिंग को आपको आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब इसमें तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर लोगे, पहले आपका 6:40 बजेगा, है ना, उसके बाद आपका 13:35 बजेगा, ठीक है, और उसके बाद आपका 19:30 बजेगा, उसके बाद आपका 20 बज जाएगा, है ना। ये इंटरनेशनल वाली 24 आवर्स वाली टाइमिंग है। तो यहाँ पे 1 ऑप्शन में, और यहाँ पे 13:03, और यहाँ पे 19:32, एंड देन 20, मतलब 4 1 3 2 4 हम देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका, ये देखिए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको टाइमिंग सेट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा, ये जो फिलर्स हैं इसमें क्या क्या आपको फिल करना है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक पैटर्न फॉलो होगा, ऐसे क्वेश्चंस में एक पैटर्न फॉलो होता है, जो कि आपको देखना होता है कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, तो अगर आप यहाँ पे डी रखेंगे तो बी डी एफ जी जी यहाँ पे हो जाएगा, और बी डी एफ जी जी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका बन रहा है, बी डी एफ एंड जी जी ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो है, ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डी रखेंगे, फिर यहाँ पे जी, फिर जी, फिर बी, और फिर यहाँ पे जी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ये वाला बनेगा एक और ये वाला बनेगा दो, है ना। तो सेम यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो जाएगा, सेम सीरीज़ का यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि 2, 3 और 5 यहाँ पे लिखा है 30, 5, 1, 1 यहाँ पे लिखा है -5, तो 4, 3, 1 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बीच में क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क पे आपका क्या आएगा ये आपको बताना है। सिमिलरली आप देख सकते हो, इजी है, समझ में आ गया होगा आपको, 2 × 3 × 5 करेंगे तो 30 देगा, सिमिलरली 5 × 1 × -1 करेंगे तो -5 देगा, सिमिलरली 4 × 3 = -1 तो इट गिव्स यू -12। इट मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने, इसमें आपको सीरीज़ एक दी हुई है, न्यूमेरिकल सीरीज़। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को कंप्लीट करना है, आपको देखना है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहाँ पे ऐसे सीरीज़ में पहले आप डिफरेंस ज़रूर देखा करिए। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो पहले 15 का है, फिर यहाँ पे 12 में से 5 किया 7, 7 में से 6 किया 1, 17 का है। तो इसके बाद यहाँ पे आपका 15 प्लस 2, तो प्लस 2 यहाँ पे 19 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर हम 19 करते हैं तो यहाँ पे 82 में प्लस 19 करेंगे, 9, 10, 11, 8, 1, 9, 1, 10 आ जाएगा। 19 के बाद अगर हम फिर प्लस 2 करके देखेंगे तो 20, 21 का होगा। अगर इसमें हम 21 प्लस करेंगे तो हमारा 122 यहाँ पे ये वाला दे देगा। इसका मतलब हमने यहाँ पे सही किया है क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, 1 जो है, करेक्ट हो जाएगा। 101 यहाँ पे आपका जो आंसर है वो बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले हम निकालते हैं कि इसमें से कितने लोग कुछ पढ़ते हैं। तो ऐसे निकालने के लिए हम 20 में से, क्योंकि यहाँ पे 20 लोग हैं, इसमें से 5 लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो आपका आंसर जो आएगा वो 15 आएगा। आंसर फाइनल आंसर नहीं, मतलब कि ये जो 15 लोग हैं ये कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ये 15 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें लिखा है 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं और 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 19, ओके। सो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 19। तो अब 19 में से हम इस 15 को माइनस कर देंगे
तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फोर। और ये फोर क्या चीज़ बताएगा, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सो ये आपको एक जंबल वर्ड दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि आप किस तरीके से इसको रखोगे कि आपका कुछ एक मीनिंगफुल वर्ड सामने आए। साफ आपको दिख रहा होगा कि रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट राइट, रेस्टोरेंट की यहाँ पे स्पेलिंग आपको दी गई है। तो इस हिसाब से आप अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर टू जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। तो रेस्टोरेंट हमने देख लिया है, घूमा है, खाना वाना खाया है। यहाँ पे आप देखिए, यदि डिक्शनरी को यहाँ पे 5-4 एंड सो ऑन यहाँ पे ऐसे लिखा है तो हम यार्ड को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको सिंपली दिख रहा है कि यार एक चीज़ से हम कोई पैटर्न नहीं पकड़ सकते। इसका मतलब पहले आप देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे अगर जो वाई की वैल्यू दी है 1, वही यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 रखनी है, ठीक है। और ए की वैल्यू दी है यहाँ पे कितना 3, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दी। आर की कितनी दी है यहाँ पे 6, तो 6 रख दी। सिमिलरली डी की कितनी दी है यहाँ पे 5, तो हमने डी की कितनी रख दी 5। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1365 हमें ऑप्शन मिल गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम एक से सातवें स्थान पर है, मतलब अंतिम ओर से सातवें स्थान पर है और दूसरे से ग्यारहवें स्थान पर। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या, देखिए ऐसे में क्या है, यहाँ पे गणेश की आपको पोजीशन दे रखी है लेफ्ट और राइट से, ठीक है। एक पंक्ति में या ऊपर नीचे से भी बोल सकता है, तो उसमें बोला है कि एक छोर से उसकी पोजीशन सातवीं है, ठीक है। एक मिनट में यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक ओर से उसकी सातवीं बोल रखी है और एक ओर से उसकी यहाँ पे बोल रखा है 11, ठीक है। तो इधर से आपने 11 मान लिया और इधर से आपने ये सातवीं मान लिया। तो जब इसमें पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ़ छात्र कितने हैं, तो इसमें आपको ये दोनों ही चीज़ें जो लेफ़्ट से या राइट से जो दोनों पोजीशन है उनको प्लस करना है, या अब ऊपर से या नीचे से जो दी हुई है अप और हाई से, अप और लो से, तो वो भी आपको दोनों चीज़ें दोनों प्लेस वैल्यू को प्लस करके और फिर माइनस वन करना है। तो यहाँ पे 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और माइनस वन कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोनों प्लेस वैल्यू प्लस करके हम माइनस वन करते हैं, और दोनों प्लेस वैल्यू अपोजिट होनी चाहिए, मतलब एक लेफ्ट से दी होनी चाहिए और एक राइट से दी होनी चाहिए, तभी हम इन दोनों को प्लस करके निकाल सकते हैं कि कितनी स्टूडेंट्स हैं या कितने स्टूडेंट्स हैं। और प्लस करने के बाद दोनों वाली प्लेस वैल्यू को माइनस वन भी करना ज़रूरी होता है, माइनस वन करना ज़रूरी होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन है इस पूरी क्लास का, आप लोग कर लोगे। 563 को लिखा गया है 356, 105 को लिखा गया है 510, तो सिमिलरली आपका 567 को क्या लिखा जाएगा आपको ये बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपको पैटर्न यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर 563 है तो इसमें भी हमारा 563 कहीं ना कहीं अवेलेबल है, इसमें 105 है तो इसमें भी 510 कहीं ना कहीं पे अवेलेबल है। तो इसमें कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बन रहा है। देखिए 5 जो पहले लिखा है उसको हमने बीच में लिख दिया, यहाँ पे 1 जो पहले लिखा है उसको हमने बीच में लिख दिया, इसका मतलब 5 जो पहले लिखा है उसको हम बीच में लिख देंगे। 6 जो सेकंड नंबर पे लिखा है या बीच में है उसको लास्ट में रख दिया, 0 जो सेकंड नंबर पे है उसको लास्ट में रख दिया। तो सिमिलरली जो हमारा 6 जो है उसको हम लास्ट पे रख देंगे और 7 पहले, तो 756 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, कॉन्सेप्ट्स आपको कैसे लगे, क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइए। कुछ भी दिक्कत आ रही है या किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है वो भी बताइए, हमने आपको पूरा जो आपका क्लासेस हैं वो उसका भी शेड्यूल दिखा दिया है। सो अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल जय हिंद जय भारत, अपनी तैयारी करते रहिए और यहाँ पर अच्छे से तैयारी करिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, बस मेहनत करते रहिए। बाकी
भगवान पर छोड़ दीजिए, आप बस मेहनत करिए, तैयारी करिए, जो भी आपका पैटर्न है, जो भी आपका इंटरनल सिलेबस है उसके हिसाब से खुद भी मेहनत करिए और हमारी वीडियोस भी देखिए, उससे रिवाइज करिए, उससे प्रैक्टिस करिए, और वीडियो देखने के बाद आप वैसे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिए। जल्दी हम आपके सामने कुछ कंटेंट और लेकर आएंगे, जिसका आपको यहाँ पर होमवर्क भी मिलने रहेगा, कुछ आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। सो बस वेट करते रहिए, अभी शुरू हुई हैं क्लासेस और धीरे धीरे सब कुछ अवेलेबल होगा। जय हिंद जय भारत, और इसको शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं बट उनके पास कुछ साधन नहीं अवेलेबल है, उनके पास पैसा नहीं अवेलेबल है, इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस, ये इनिशिएटिव हम आपको करवाना चाहते हैं। और एजुकेशनल चैनल है और एजुकेशनल वीडियोज़ है, इससे हम कुछ भी धोखाधड़ी नहीं करेंगे। आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो बताइए, नहीं आ रहा है तो बताइए, और देखिए पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको समझा कर वो चीज़ें हम करवाएं, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंजूसी या कोई भी धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने जो आपका पैटर्न है वो हमने देखा है, और कैसा सिलेबस है वो भी देखा है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करवा रहे हैं और डेफिनेटली आपका उसी से आएगा, ठीक है। सो तैयारी करते रहिए, खुद भी तैयारी करिए और वीडियोस को भी देखिए पूरा, और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। जो भी क्वेश्चंस हैं वीडियो को 2-3 बार, 4-5 बार, आप 10-12 बार देख लीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने अगर आए तो आप उसको तुरंत टिक कर दो, ठीक है। घोल के पी जाइए बस वीडियो, ऐसा कुछ करना है आपको। और उसके बाद जो घर पे आप फ्री टाइम रहे, जो आपके पास, तो उसमें भी आप खुद से भी तैयारी करिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत।